अभी कुछ दिनों से JN.1 एक नया कोविड का वेरिएंट आया है और सारे संसार में इसके पेशेंट्स दिखने लगे हैं। हिंदुस्तान में आमतौर पे ऑलवेज केरला से स्टार्ट होता है, अब कर्नाटका में, महाराष्ट्र में JN.1 के पेशेंट्स दिखे जाने लगे हैं। देखिए, कोविड हमारे साथ रहने वाला है, कोविड के केसेस होते रहेंगे। अभी भी हमारे देश में 4,000 से ज़्यादा एक्टिव केसेस हैं और जो आइसोलेट किए हैं उनमें 63 केसेस JN.1 के आइसोलेट किए हैं। बट ये बहुत तेज़ी से फैलता है, इसकी फैलने की शक्ति, ये ओमाइक्रॉन का वेरिएंट है तो इसके बहुत तेज़ी से फैलने के आसार हैं और धीरे धीरे ये बाकी वेरिएंट को रिप्लेस करके प्रिडोमिनेंट वेरिएंट बनने वाला है। JN.1 एक माइल्ड कोविड वायरस है, ये जैसा ओमाइक्रॉन में आपने बहुत ज़्यादा पेशेंट सीवियर वैरायटी के नहीं देखे थे, थोड़े पेशेंट्स को सीवियर डिजीज़ हुई थी, उसी तरह से JN.1 बिल्कुल माइल्ड वैरायटी का है। इसमें पेशेंट को नाक से पानी आना, खांसी होना, फटीग होना, गले में दर्द होना, आवाज़ थोड़ी भारी हो जाना और कुछ व्यक्तियों में डायरिया के सिम्टम्स भी देखे गए हैं और स्मेल का कम होना, ये सब सिम्टम्स, आँखों में कुछ लोगों के आँखों में भी थोड़ी सी फीलिंग हैवीनेस की या उस तरह की फीलिंग भी देखी गई है। बट ज़्यादातर जैसे बाकी वेरिएंट में हुआ था उसी तरह से अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी कि नाक और गले के ही सिम्टम्स, और वो भी बड़े माइल्ड से सिम्टम्स ही, और बुखार ऑफ कोर्स एक इसका अभिन्न अंग है। जी, बाकी जो वेरिएंट हमने देखे, जो भी कोरोना के रूप रहे हैं, उनसे कितना अलग है सर ये? माइल्ड है, इसमें ज़्यादा अभी तक जो भी है माइल्ड ही सिम्टम देखे गए हैं। देखिए, जो भी कोविड वायरस है डिवाइड करता है तो डिवाइड करते करते कुछ एबरेंट या म्यूटेशन जो बोलते हैं, ये उसी का परिणाम है कि एक नया JN.1 वायरस है। बट अभी तक जो हमारी इम्यूनिटी है इसके अगेंस्ट इफ़ेक्टिव है, इसीलिए ज़्यादा पेशेंट्स को ना तो केसेस हो रहे हैं और ना ही ये सीवियर वैरायटी के हो रहे हैं। जी सर, हम देख रहे हैं, सर सबसे बड़ी सावधानी है कि अगर आपको सिम्टम हैं तो खास करके अगर आपको कोमोबिलिटीज़ भी हैं तो आप अपना टेस्ट करा सकते हैं और इसके लिए RT-PCR जो टेस्ट है वो अभी भी इसके लिए बेस्ट टेस्ट है और उसी से ही ज़्यादातर केसेस डिटेक्ट किए जा सकते हैं। उसका नेगेटिव, जैसा कि आपको पहले भी पता है कि उसका नेगेटिव आने का मतलब ये नहीं है कि आपको कोविड नहीं है, क्योंकि 70-80% 75% लोगों के ही पॉजिटिव आते हैं होते हुए भी। दूसरा ये है कि जो हमें पहले भी सिखाया गया है, इसका जो आम इलाज है, आप रेस्ट करिए। देखिए, कोई भी वायरल इन्फेक्शन, चाहे वो कोविड है या कोई भी है, रेस्ट सबसे बड़ा इलाज है। इसमें अगर आपको सिम्टम ज़्यादा है थोड़ा रेस्ट करिए, पानी वगैरह ज़्यादा सेवन करिए, गर्म चीज़ें, अगर सर्दी के इलाके में रह रहे हैं तो आप हॉट सूप्स, लिक्विड्स, ऐसी चीज़ें ले सकते हैं ताकि अपने आप को हाइड्रेट रखें। और इसके लिए ट्रीटमेंट बिल्कुल सिम्टोमेटिक है, वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके आप ले सकते हैं, एंटीहिस्टामिनिक्स या पैरासीटामॉल, जो भी सिम्टम है उसके लिए ले सकते हैं। बट रेस्ट, फ्लूइड्स और ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, इसी से ही ऑलमोस्ट सारे पेशेंट ठीक किए जा सकते हैं।